चलो तो हम कर रहे हैं क्लास नंबर 7 प्रोबेबिलिटी की लगभग खत्म होने के कगार पे है चैप्टर। एक्सरसाइज 3 डिस्कस हो रही थी जेई मेंस वाले, 10 तक हुआ था। चलो 10 के बाद पूछो डाउट। 10th में एक बार पूरा नहीं हो पाया था ना, मैं 10th फिर से करा देता हूँ। फिर मैंने फिर से किया था, हो गया था लेकिन मुझे लगा मैं फिर भूल गया हूँ। कह रहा है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है एबीसी। क्या किया था मैंने यार? तो पूछ रहा है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाई सी क्या होगा। किया था नहीं किया था मैं तो भूल गया हूँ यार। तो ये क्या हो गया, पी ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी सी। ये तो फॉर्मूला हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अच्छा अच्छा याद आया, इसको हम वेन डायग्राम से कर लेंगे क्योंकि ऐसा बहुत कुछ देखा तो वो जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे बहुत वैलिड नहीं हो पा रहा यहाँ से। अब देख लो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी का। तो अगर 3 सेट है ए बी सी तो ए कॉम्प्लीमेंट में हो गया ए के अलावा सब कुछ और बी कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा सब कुछ, तो उनमें कॉमन क्या हो गया, क्या ये पोर्शन जो होगा और इसके बाहर का ये हो जाएगा। और अगर सी से इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ सी वाला पोर्शन रह गया, तो दिस इज द ओनली पोर्शन लेफ्ट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये हो गया सी में ये पोर्शन हटा दें, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नहीं सी इंटरसेक्शन सी से हटा दें जो सी और ए में कॉमन है, सी इंटरसेक्शन ए और हटा दें जो सी और बी में कॉमन है। देखो इधर पूरे सी से हटा दिया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये बचेगा इन कुछ और भी चाहिए, ये दो बार हटा दिया हमने ए सी के साथ भी हटा दिया इसको और बी सी, दो बार थोड़ी हटा, एक बार हटाना था, तो इसीलिए तीनों में कॉमन है उसको एक बार ऐड कर दे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बस हो गया अपॉन पी सी। तो क्या हो गया, पी सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी इंटू पी ए, ऐसे ही सी इंटरसेक्शन बी पी सी इंटू पी बी, और तीनों का इंटरसेक्शन जीरो दे रखा है तो वो जीरो हो गया अपॉन पी सी, ऊपर से पी सी कॉमन है कैंसिल हो जाएगा आ गया, तो बचा वन माइनस पी ए माइनस पी बी। दो तरह से आंसर निकाल सकते हैं, वन माइनस पी ए को बोल दें पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी, या वन माइनस पी बी को बोल दें पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ए, तो जो भी ऑप्शन में जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आंसर ले सकते हैं। समझ गए? चलो 10th के बाद 11th, 11th कह रहा है कि 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 8, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम 3 है गिवन दैट मैक्सिमम इज 6। किस टॉपिक से है, कंडीशनल। मैक्सिमम अगर 6 है तो टोटल केस कितने हो गए, 1 से 8 में लेना है, मैक्सिमम 6 है मतलब 6 तो लिया ही गया है तभी तो मैक्सिमम 6 है, तो टोटल केस कितने रह गए और बाकी दो के लिए कितने ऑप्शंस, 5 से 2। भाई इन पांचों में से ही तो दो लोगे, टोटल केस हो गए 5 से 2। फेवरेबल केस कह रहा मिनिमम हो 3 और मैक्सिमम हो 6, तो 2 फिक्स हो गए, कितना रह गया मिडिल नंबर के लिए,
फोर और फाइव ही तो रहेगा, दो ही ऑप्शन रहेंगे, टू सी वन या सिर्फ टू बोल दो, आ गया टू अपॉन टेन वन बाई फाइव, ठीक है, हुआ था हुआ था। रिशिता इलेवेंथ के बाद करीब तक क्या होता है भाई, तो आनी है उसमें क्या है, सारे ऑप्शंस में करीब कैसे हो गए, सब में तो है वो। कह रहा है एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, फाइव क्वेश्चंस हैं, सब में थ्री ऑल्टरनेटिव आंसर है जिसमें एक करेक्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट के फोर या मोर करेक्ट आंसर होंगे गैसिंग से, तो बहुत आसान है, फोर या मोर करेक्ट होंगे, या तो फोर करेक्ट हो या फिर फाइव करेक्ट हो, बहुत बच्चों वाला है, फोर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी किस टॉपिक से, बाइनोमियल बिल्कुल कर सकते हैं, तो बताओ फोर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ देख रहा हूँ क्या, तो फाइव क्वेश्चन है, फाइव ट्रायल है, तो फाइव से फोर, चार बार सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, कितने ऑप्शन है भाई, गैस मारेगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी की सही गैस होगा, वन बाई थ्री प्रोबेबिलिटी की सही गैस करने में सही हो जाएगा, तो वन बाई थ्री चार बार और एक गलत हो टू बाई थ्री, या फिर पांचों करेक्ट हो, फाइव से फाइव वन होता है, वन बाई थ्री टू द पावर फाइव, ठीक है, छूट गई थी क्या, वन बाई थ्री टू द पावर फाइव कॉमन ले लिया तो बचा फाइव इंटू टू टेन प्लस वन इलेवन अपॉन थ्री टू पावर फाइव होगा, क्यों क्या है काम अथर, कुछ कवर हुआ पिछला, अब तो एग्जाम हो गया ना, पूरे दिन खाली हो गए, आज हुए, खत्म करो जल्दी से, चलो 12 के बाद, 12 के बाद 17 सीधा 17 है, 15 से पहले तो नहीं किसी का, 15 कह रहा है कि एक बॉक्स में 15 ग्रीन बॉल्स हैं और 10 येलो बॉल्स हैं, 10 बॉल्स को निकाला गया है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, किस टॉपिक पे है क्वेश्चन, दस बार एक ही काम किया जा रहा है विद रिप्लेसमेंट, है निकाला रख दिया, निकाला रख दिया, तो एक ही काम दस बार किया जा रहा है, किस टॉपिक से हो गया, किस टॉपिक से हो गया, बाइनोमियल एंड ट्रायल्स, बार बार वही काम हो रहा है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या होता है फॉर्मूला मीन का, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आजकल, n into p mean होता है, n into p into q variance होता है, सीधा फॉर्मूला है, तो इसमें है 10 को निकाला गया तो 10 हो गया n, और ग्रीन बॉल को सक्सेस मानेंगे तो p हो गया 3/5, q हो गया 2/5, तो 10 into 3/5 into 2/5 आंसर आ गया, ठीक है 60/25 12/5 आ रहा हूँ, बिल्कुल देखो जे के क्वेश्चन देख रहा हूँ एकदम ओरली हो गया था, इसमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, कई क्वेश्चन ऐसे आए कि बस देख के कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, 30-40% क्वेश्चन तो एकदम लूज क्वेश्चन है इस टॉपिक से, 15 के बाद 17 ही बड़ा इजी दिख रहा है, थ्री इवेंट्स दे रखे हैं, कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब एग्जैक्टली वन और दो में इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है 1/4 और ऑल थ्री की 1/16 है, एटलीस्ट वन हो जाए, क्या पूछा गया एटलीस्ट वन का मतलब, अरे माही कितने दिनों बाद आई हो, कुछ टॉपिक वॉपिक कवर है तुम्हारा, नो सर, तो फिर क्या होगा इस क्लास में, रिकॉर्डिंग्स देखो पहले, एनीवे हाँ तो बताओ
एग्जैक्टली वन हो, टू में वन हो, इसकी क्या है सेट थ्योरी के हिसाब से क्या बना, क्या मतलब हुआ इसका, पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ये सेट क्या बना, क्या डिसजॉइंट? नहीं, एग्जैक्टली वन ए और बी, एग्जैक्टली वन का कौन सा पोर्शन है, ओनली ए या फिर ओनली बी, तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, पी ए माइनस पी बी, सॉरी पी ए माइनस बी ना, अब इट इज इवेंचुअली पी ए माइनस पी बी, और ए, क्या बोल रहा हूं मैं, पी ए माइनस बी प्लस पी बी माइनस ए, ये क्या दे रखा है, 1/4, यही तो बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो या तो ए हो रहा है सिर्फ ए, या सिर्फ बी हो रहा है सिर्फ ए माइनस बी सिर्फ बी बी माइनस ए, ठीक। अब पी ए माइनस बी को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट थ्योरम में लिखा भी है अलग से, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिख भी रहा है सेट में, ए में कॉमन वाला हटा दो और बी माइनस ए को पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन है, या उसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, एक ही बात है, तो इवेंचुअली हमें क्या मिल गया, पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन बी और सी में भी आ जाएगा, और ऐसा ही सी और ए में, जब हम सबको ऐड करेंगे तो देखो ए एक बार यहाँ आया है, एक बार आएगा ए और सी वाले में, तो दो बार पी ए आएगा, ऐसे ही बी भी दो बार आएगा, एक बार इसमें आ रहा है, एक बार बी और सी वाले में आएगा, और सी भी दो बार आ जाएगा, और ये वाला सब में एक एक बार आ रहा है, तो इवेंचुअली फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हर चीज दो बार आ गई, क्या क्या ये मिल गया, टू टाइम्स पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन है, यही तो आ गया, और ये 1/4 1/4 तीन बार ऐड किया, 3/4, एग्रीड, सब कुछ दो बार हो गया ना, ये सब में एक ही बार आ रहा है इस तरह का टर्म, तो सब तीनों में एक एक बार आ गया, तीनों में टू टाइम्स हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। अभी हमसे पूछा है तीनों का यूनियन, यूनियन यही ऐसे तो आता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ये तीनों और प्लस, तो बस दोनों तरफ वही कर दिया जाए, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इस तरफ भी क्या उसकी वैल्यू भी दे रखी है शायद 1/16, लेफ्ट हैंड साइड तो वही बन गया जो चाहिए था, यही तो है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये कितना हो गया, ऐड कर दो 7/16, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं अगर तो हो जाता, कर लो जल्दी से।
रहेगा अगला डाउट 19 कह रहा है दो कार्ड निकाले गए विद रिप्लेसमेंट एक्स डिनोट रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस रैंडम वेरिएबल याद है हम टेबल बनाते थे याद है क्या बोलते थे उस टेबल को बोर्ड में है कि नहीं हो क्या कर रहे हो गाइस बोर्ड का टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट भी है मार्क कराया हुआ है एक टेबल बनाते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है नहीं पता रैंडम वेरिएबल क्या होता है निकल गया ऐसा तुम लोगों का अभी एग्जाम का लोड भी नहीं चल रहा है स्कूल भी नहीं जा रहे होगे क्या पढ़ाई कर रहे हो रिशिता क्यों नहीं आता रैंडम वेरिएबल क्या होता है कितने दिन से ये चैप्टर चल रहा है तनुष्का क्या चल रहा है जो ये टाइम फ्री का मिल रहा है अभी उसका क्या कोई यूज नहीं कर रहे हो उल्टा इसको डबल यूज करना चाहिए उसमें रेगुलर काम करके नहीं आ रहे हो तुम लोगों को रैंडम वेरिएबल नहीं पता है क्या होता है रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू होती है एसोसिएटेड विद ऑल द सैंपल पॉइंट्स ये एक फंक्शन होता है ना इनपुट में सैंपल पॉइंट होते हैं आउटपुट में उनकी कोई वैल्यू होती है तो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे बट कोई वैल्यू लेगा प्रोबेबिलिटी उसकी बाद में निकालते हैं और उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और इससे हमने दो चीजें देखी थी इस टेबल से दो चीजें पूछता है इसमें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल था कोई डिसीजन लाइफ में लेना है तो कैसे लेते हैं तो उसको क्या नहीं बोलते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और दूसरा वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मीन कैसे निकालते थे मीन कैसे निकालते थे इस टेबल से एक्स इंटू पी एक्स करके सबको ऐड कर देते थे और वेरियंस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स को मीन ही बोल रहे हैं का स्क्वायर तो एक कॉलम और बन जाएगा एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर का मीन माइनस जो मीन आया था उसका स्क्वायर ऐसे ही पढ़ना तो छुट्टी ही कर लो भैया दो तीन हफ्ते और दो तीन महीने का ब्रेक चाहिए वही ले लो तो कह रहा है रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ एसेस अगर हम दो कार्ड निकालेंगे तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है रैंडम वेरिएबल कैसा डिफाइन किया गया है कि जितने एसेस आ रहे हैं इक्का जो होता है दो बार निकालने में क्या क्या हो सकती है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब एसे जब दो कार्ड निकाल लो तो कितने एसेज आ सकते हैं दो बार में बिल्कुल तो यही तीन वैल्यू रैंडम वेरिएबल ले सकता है या तो जीरो लेगा या वन लेगा या टू लेगा ऑल्दो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ वन और टू का पूछा है तो वन लेगा रैंडम वेरिएबल वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वन आएगी मतलब एक केस आएगा दो बार में 1/2 दो ही कार्ड है क्या भाई चार ऐसे है एक एस आया हो 4c1 बटे तो एक बार की अच्छा सीधे स्टेप बाय डायरेक्टली कर लो ना पहली बार में एस आया हो और दूसरी बार में एस ना आया हो प्लस या इंटू टू कर दो कि दूसरी बार में एस आया और पहली बार में ना आया हो समझ गए बात को क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई सही है ना पहली बार में एस आया दूसरी में नहीं आया या उल्टा इसका इसीलिए इंटू टू कर दिया है कि पहली बार में एस नहीं आया था दूसरी बार में आया था ठीक है दूसरी बार में नहीं आया ना एस एक तो 1/4 भी क्यों बोल क्या कर रहे हो तुम लोग यार एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक डेक ऑफ कार्ड में 4/52 और ना आने की 48/52 एक बार लाना है तो इंटू टू पहली बार में आया दूसरी में नहीं आया या फिर दूसरी बार में आया पहली में नहीं आया तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई
13 आंसर में क्या है 169 है अपॉन में 26 तो 48 अपॉन 13 इंटू 26 और दो दोनों बार ऐसा है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 और फिर से 4/52 दो बार हो जाए ना तो 1/169 ये भी वही है बस इंटू 2 इसमें एक्स्ट्रा है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 169 इंटू 2 फाइनल आंसर आ गया 25 अपॉन 169 समझ में आई है बात x इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब रैंडम वेरिएबल 1 वैल्यू कब लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2 लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर दो क्योंकि वही पूछा है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 ठीक है ये कॉन्सेप्चुअल चीजें ही नहीं याद है रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कैसे याद होगा यार कितना टफ कॉम्पिटिशन है तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो भाई अगला मॉड्यूल भी आ गया ले जाना किसी दिन ओके सर चलो अगला डाउट 19 के बाद 19 के बाद 22 प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर एट एनी शॉट इज 1/3 मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6 ये तो हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था और ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं जेई में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन हो गया किस तरह का क्वेश्चन हो गया क्या बनता है इसमें जीपी और फिर इन इक्वालिटी तो फिर क्या दिक्कत है एटलीस्ट एक बार टारगेट में लग जाए तो उसको ऐसे ले लें 1 माइनस एक बार भी ना लगे ठीक है और एक बार भी ना लगने की प्रोबेबिलिटी 2/3 टू द पावर एन एक बार भी नहीं लगा अगर एन टाइम में किया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी कब ग्रेटर देन 5/6 हो जाएगी बस बन गई नहीं क्वालिटी सिंपल सी बहुत फ्रीक्वेंट आता है ये क्वेश्चन सब लोग समझ पाए एटलीस्ट 1 लगने की प्रोबेबिलिटी जितनी बार तो मारते रहोगे तो चांस तो बढ़ते रहेंगे ना कि हम अब तो एक बार लग जाएगा तो कह रहा है कि कितने शॉट ले जाएंगे प्रोबेबिलिटी बन जाए कम से कम 5/6 कम से कम एक बार लगने की तो हमने निकाल ली 1 माइनस एक बार भी ना लगने की तो एक बार लगने की हो गई अब इसी को सॉल्व कर लेना है इसको ले आते हैं 2/3 टू द पावर एन इज लेस देन इक्वल टू 1/6 ऐसे कंपेयर मतलब ऐसे ही ओरली देख लो एन अगर 2 होगा तो क्या 4/9 1/6 से छोटा है नहीं है 8/27 याद है क्लास 7th में करते थे 8/7 है छोटा कैसे कंपेयर करते हैं याद है मल्टीप्लाई कर लो जिस साइड बड़ा आ जाएगा वही बड़ा है तो अभी ये 48/27 एलसीएम ही ले रहे हैं शॉर्टकट हो गया पावर 4 करेंगे 16/81 बड़ा है 1/6 से देखो 96/81 अभी भी नहीं है अगली बार में हो जाएगा आई गेस 16 का 32/243 अभी भी नहीं हुआ क्या अब हो गया ये आएगा 192 ये 243 तो ये बड़ा हो गया मतलब ये छोटा है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 तो 5 शॉट लेने पे एटलीस्ट एक बार लगने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 एटलीस्ट 5/6 है 22 के बाद 24 तो अभी किया था n डायरेक्टली फॉर्मूले वाला है ना किस टॉपिक से बाइनोमियल का मीन और डेविएशन का फॉर्मूला पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है एनपी और डेविएशन का एनपी क्यू वेरिएंस का होता है लेकिन वो यहाँ क्या लिखा हुआ है
वो क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, पढ़ के आओ एकदम। कितना इजी क्वेश्चन है, ऊपर कह रहा मीन है एन इंटू पी, जे का क्वेश्चन है बताओ। नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन पी क्यू, ये सॉल्व करने को बोल रहा है बताओ। एन पता है 16 बॉल्स आर ड्रॉन, एन 16 हो गया। पी पता है व्हाइट बॉल को सक्सेस मानेंगे 30/40, क्यू पता है 10/40, दैट्स इट। कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करोगे। 24 के बाद करके आया हो ना सब लोग, कि 24 के बाद 27 से पहले है कोई डाउट? कह रहा है एक गेम में अ मैन विंस 100 रुपीज अगर 5 या 6 आ जाता है डाई थ्रो करने पे, और लूज 50 अगर कोई और नंबर आ जाता है। तो उसने कहा है वो तब तक डाई को फेंकेगा जब तक 5 या 6 ना आ जाए, या फिर मैक्सिमम 3 बार ही फेंकेगा। तो बताओ एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना लॉस या प्रॉफिट उसका हो सकता है। किस टॉपिक पे हो गया क्वेश्चन? बाइनोमियल हमें बोल दो। हाँ एक्सपेक्टेशन वर्ड आ गया यार, किस में होता है एक्सपेक्टेशन? रैंडम वेरिएबल में ही तो होता है। तीन बार वो फेंक रहा है डाई मैक्सिमम, या तो 50-60 आ जाए, और अगर नहीं आ रहा तो बस 3 ट्राई करेगा वो। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या हो सकता है कि पहली बार में 5 या 6 आ गया तो उसने बंद कर दिया, तो ये पहली कंडीशन विन, ठीक। या फिर पहले में ना आए और दूसरी में आ जाए तब भी वो बंद कर देगा, या फिर पहले में भी ना आए दूसरी में भी ना आए और तीसरी में आ जाए तब भी वो बंद कर देगा, पहले में ना आए तीसरे में ना आए तीसरे में ना आए तब भी वो बंद कर देगा, यही हो सकता है। दैट्स ऑल। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू होती है, क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगर ये हो गया तो क्या मिलेगा उसको, कितने पैसे मिलेंगे? +100। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई +100, अगर ये हुआ तो +50, 50 गए थे पहले फिर 50 मिल गए, ये हुआ तो 0, और ये हुआ तो रैंडम वेरिएबल की ये 4 वैल्यू हो गई, और उसी हिसाब से हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्सपेक्टेशन भी ये बताएगी कि उसकी स्ट्रेटजी सही थी कि नहीं थी, कि 3 बार ही फेंकूंगा मैं, समझ गया ना। एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव तो मतलब सही डिसीजन है, 0 मतलब न्यूट्रल है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मतलब गलत डिसीजन था। तो ये हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वेन मतलब 5 या 6 आ जाए, 2/6 ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/6। ये होने की प्रोबेबिलिटी, पहले लूज हो 4/6 और फिर विनिंग हो जाए 2/6, 8/36, तो कैंसिल वैंसिल कर सकते थे। ये होने की, जो मैं कैंसिल करके लिख लेता हूँ, यूजली तो इक्वल डिनोमिनेटर आता है, इसमें नहीं आएगा। इसकी तो 2/3 हो गई, इसकी हो गई 2/9, 0 की 4/6 मतलब 2/3, 2/3 और 1/3, तो 4/27, और आखिरी वाले की 2/3, 2/3, 2/3, 8/27। हमेशा इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1। बोर्ड वाला क्वेश्चन ने बताया था, यही बनी होती है, एक जगह के लिखा होता है, के पूछ लेता है, इतना इजी क्वेश्चन है कि ऐड करके 1 लाना है बस, ये बोर्ड में आता है। एक बार चेक कर लो, बना रहा है ऐड हो गया। अच्छा ये 1/3 है, सॉरी ऐड होके बना आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, देखो मतलब सही बनाई टेबल हमने। एक्सपेक्टेशन निकालनी, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको बाय 27 ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं 9/27, 6/27, बाकी तो यही है। तो ये हो गया 900,
प्लस 300 जीरो माइनस 1200 अपॉन 27, वैसे क्या आ गया जीरो। ठीक है, फेयर डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। ऑप्शन ऐसा ठीक है, ये तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि रैंडम वेरिएबल में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और टॉपिक भी इजी है। रैंडम वेरिएबल कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल कैसे हो सकता है कि एक डाई को दो बार रोल किया है, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन है डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, जीरो इक्वल आ गया अगर, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 6 और 1 ठीक, तो रैंडम वेरिएबल कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बाकी फिर प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी पड़ती है। 27 के बाद थर्टी थ्री, सब लोग रैंडम वेरिएबल में ही फंस रहे हो। 29 मिनिमम नंबर ऑफ टॉस अभी जस्ट हुआ है, देखो थोड़ी देर पहले, कुछ से करो अभी जरा, अभी तो हुआ था वो वाला इनइक्वालिटी वाला, कितनी बार टॉस करें कि एटलीस्ट वन हेड आने की 90% प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एटलीस्ट वन हेड की निकालनी कैसे निकाले, 1 माइनस नो हेड उल्टा हो गया ना, और नो हेड की प्रोबेबिलिटी की हर बार हेड ना आए, हेड ना आने की 1 माइट, और ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10 सॉल्व कर लेंगे। 33 में क्या बोल रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल है उसका मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है। अब देखो उल्टा क्वेश्चन है, मीन वेरिएंस दे रखा है मतलब हमें क्या क्या पता है, मीन मतलब NP इज इक्वल टू 8 और वेरिएंस क्या होता है NPQ इज इक्वल टू 4, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे Q की वैल्यू मिल जाएगी, Q मतलब फेल्योर, अगर Q पता है तो P भी मालूम चल गया, P क्या हो जाएगा सक्सेस और फेल्योर मिलके 1 बनाते हैं ना। रैंडम वेरिएबल बिल्कुल नहीं आता है क्या तुम लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि फिर से बता दो, आ रहा है ये तो सॉरी रैंडम नहीं बाइनोमियल, और पी क्यों पता है यहाँ रख के एन भी निकल आएगा, एन आ जाएगा 16, सब मालूम चल गया बाइनोमियल के बारे में। बस वो क्या पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब 0 की एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एन से 0, 16 से 0, सक्सेस 0, बाकी में फेल्योर। इसमें वैसे बहुत फायदा है हमारा कि दोनों सेम ही है हमेशा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो 16 ही आना है, तो तीनों में यही आ जाएगा 1/2 to the power 16, समझ रहे हो, जब दो सक्सेस होंगी, तीन एक सक्सेस होगी, 0 सक्सेस, ये सब में कॉमन ही आना है क्योंकि सक्सेस और फेल्योर के सेम ही है, तो दोनों तरफ मिलकर 16 बन ही जाएंगे, बस कर लेंगे ऐड और कंपेयर कर देंगे के की वैल्यू मिल जाएगी। थर्टी थ्री के बाद कोई डाउट, 35 फॉर एन initial screening of admission test a candidate is given 50 problems to solve karne ki probability hai 4/5 then probability that he is unable to solve less than 2 problems unable to solve less than 2 that means kis topic se ho gaya ye binomial 50 baar ek hi cheez ho rahi hai na to ya to wo ek solve na ya sirf 0 unsolved reh jaye ya वन अनसॉल्व, यही तो कहा है, तो पी
एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इज इक्वल टू वन, पहले हो रहा है कि जीरो सॉल्व ना हो या फिर वन सॉल्व ना हो, क्या ही दिक्कत है। 48 सक्सेस, सॉरी 49 और 50 सक्सेस निकालनी है ना, 50 में 50 सक्सेस क्या हो जाएगा, 50 और 4 बाय 5 टू द पावर 50, 49 सक्सेस, 50 × 49 इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, 4 बाय 5 टू द पावर 49, एक बार नॉट सक्सेस, बस ले लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेशन है 1/5 टू द पावर 50 तो कॉमन ही हो गया दोनों तरफ ना, 5 टू द पावर 50, 5 टू द पावर 50 और 4 टू द पावर 49 भी कॉमन हो गया, या 4 की पावर को भी 50 कर लें क्या, ये चलो 49 ने ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर, 4 बचा और यहाँ बचा 50 और बस 50 बचा ना, बाकी तो कॉमन ही है। तो 54 इंटू दिस ऐसा है कुछ 4 बाय 5 टू द पावर 49 कॉमन है, तो एक 5 बाहर कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दें 4 बाय 5 की होल पावर 49, एक 5 रह जाएगा उसको इसके साथ लिख दो, तो क्या बचा 54 बाय 5। अब तो बस फॉर्म है कैलकुलेशन में किस तरह लिखना है, आई थिंक ऑप्शन सी ऐसा ही है। ठीक, और कोई डाउट? ठीक है, तो टेक्निकली मैं तो कहूँगा ये चैप्टर खत्म हो गया है, एक्सरसाइज 2 रह रही है, अगले वीक में जितनी भी क्लासें होंगी उसमें हम मैनेज कर लेंगे। तो अभी क्लास वर्क और होमवर्क एक्सरसाइज 2 है, और अभी सब लोग थ्योरी फिर से पढ़ेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। उन लोगों ने पता नहीं क्या इस चैप्टर में क्यों इतना टाइम दिया गया, इतना कोई लोड नहीं था और उसके बाद भी मक्कारी कर रहे हो, अभी के अभी थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। ठीक है, ये चैप्टर ओवर है, अगला चैप्टर अब ग्रेड 12th का है, वो हम ग्रेड 12 में ही स्टार्ट करेंगे, ऑल दो कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी एक्सरसाइज 2 करने में एक दो क्लासें लग जाएंगी एंड देन वी विल री स्टार्ट एट इन 13 मार्च। तो अभी क्लासें तो चली रही बट नया चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है माइन 13 मार्च से नया चैप्टर शुरू होगा क्लास 12 का, सबसे रेगुलरिटी बनाना और इस गैप में जो छूटा है वो कवर करने का पूरा टाइम है, इस गैप को वेस्ट नहीं करना। और गैप का मतलब ये नहीं कि क्लासें बंद हो रही हैं, अभी फिजिक्स में कुछ चैप्टर रह गए हैं तो थोड़ा वहाँ पर एडिशनल क्लासें होंगी, केमिस्ट्री भी खत्म होनी है, मैथ्स का भी खत्म हो गया, तो अभी कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, मैं इतना बोल रहा हूँ बस। ठीक है,